बंद करो ये नाचना और चुपचाप बैठकर होमवर्क खत्म करो। इनका तो रोज का धंधा है। मुझे पता है तुम्हारे होमवर्क के टाइम भी ये लोग ऐसे करते हैं। पर मम्मा, उन्हें कैसे पता है मैं कब होमवर्क कर रही हूँ? उन्होंने यहाँ पे कैमरे थोड़ी ना लगाया, क्या पता हमें देख रहे हो। देखूंगी तो मैं तुझे जब तू जीरो लाएगी। चलो होमवर्क खत्म करो। छोड़ दो मम्मा। Oh, hi, Maya. Hello. Hey, guys, Mr. Singh is here. देखिए, क्या आप म्यूजिक थोड़ा कम कर सकते हैं? Oh, yeah. आपको तो पता है कि अभी प्रिया के होमवर्क का टाइम है. Homework, I know, yeah. Why did she always come here this time, yeah? तो आप आवाज कम कर देंगे ना? हाँ? Do we look like sure. you care about your homework? We don't. ठीक है, okay, let's go in. Okay. You know, we meet again. आप really don't. Don't come back. Nice nighty. इन्वर्टर तो चल नहीं रहा, कम से कम मोमबत्तियां तो जला दो। इतनी गर्मी है, स्विच कहाँ है? पता नहीं। इन्वर्टर भी ये वाला तो नहीं है? नहीं नहीं ये नहीं। ये हाँ। तो बेटा स्कूल में क्या किया? गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। रोज गाजर खाओगी तो तुम्हारी स्किन भी चमकेगी और तुम्हारी आंखें भी ठीक रहेंगी। माया, कल खाने में गाजर होनी चाहिए। हाँ जी। तो डैडी, एक बात तो है, मैं फुटबॉल टीम में जरूर सिलेक्ट जाऊंगी। बेटा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? आज इतनी जल्दी घर आ गई? तबीयत तो ठीक है? ओहो। क्या थी लाइट क्यों चली जाती है? फोन को भी अब भी आना था। टॉर्च देना बेटा। हाँ। ध्यान से। हाँ। कितनी बार कहा घर फोन मत किया करो। मैं तंग आ गई विक्रम, तुम दो साल से टाले जा रहे हो। उसे एक ना एक दिन बताना ही था, तो आज क्यों नहीं बता देते? मौका मिलते ही बता दूंगा। आज और अभी बताओ विक्रम। जान, इतनी उतावली मत हो। I love you. मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं। जब तुम उससे प्यार ही नहीं करते तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसकी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? कम से कम बात करने का टाइम तो काजल करना बंद करो। I don't trust you, विक्रम. Look, please relax. ऐसा कुछ नहीं है। But how can I trust you? तुम हर रात उसके घर जाते हो। उससे मेरी बेटी है और तुम्हें तो पता है उसे ना ही कुछ आता जाता है और ना ही वो कुछ करने लायक है। कहाँ जाएगी वो? That's not my problem. और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो बच्चे हमारे भी हो सकते हैं। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वो मेरी बेटी की माँ है। और ये समझ लो कि वो मुझ पे लत्ती पड़ी है। देखो, या तो तुम उसे बता दो। नहीं तो मैं बता दूंगी। Do you get it? Love you, John. माँ, मैंने ठीक कर दिया। माँ, तुम रो रही हो क्या? नहीं, आँख में कुछ पड़ गया। चलो बेटा, सब्जी लो और ये दाल भी, और सब्जी के साथ थोड़े से कैरेट भी होने चाहिए। कैरेट? Oh, come on, लो के हाथ कैरेट। आज हमारे मेहमान है शिवानी चेरियन, जो मर्दों की एक फैशन की एक्सपर्ट है। तो शिवानी, क्या अब मर्द भी फर्स पहनेंगे? ऑफ कोर्स, लेकिन ये असली फर्स नहीं है। दीज आर फेक फर्स।
Because it just isn't in to wear anything real in terms of furs. Okay. इसे सिर्फ बे बॉडी या बिना किसी शर्ट या टी शर्ट के ही पहनना पड़ेगा ये क्या ड्रामा है क्यों क्या हो याद करो जब बत्ती चली जाती थी तो हम कितने खुश होते थे और तुम कहते थे चलो अच्छा ही हुआ लेकिन ऐसी नजाकत भरी कोई चीज मजा नहीं कैसे लग सकती यही तो बात है देखिए इस नाजुक सी चीज को सिर्फ एक सुरक्षित और आत्मविश्वास वाला असली मर्द ही पहन सकता है ये किसी शर्ट या सूट के पीछे छुपे हुए एक डरपोक आदमी के समझ से बाहर है I like it. तो अगर आप एक सुरक्षित मर्द हैं तो इसी वक्त ऐसे फर्स खरीदें Because I think guys, this is the hottest fashion statement of the season. Exactly. Actually, many furs are पागल हुई क्या रिया जाग जाएगी ये सब भी करना पड़ेगा शादी जो की है नहीं विक्रम छोड़ दो विक्रम विक्रम चलो एक मिनट मुझे चोट लग जाएगी चलो लीव दैट कम ऑन गेट इनसाइड कम ऑन गेट इन चलो मेरे साथ बहुत हो गया माया ये तुम्हारा मेरठ नहीं दिल्ली है किसी ने एक बार कहा और तुमने गाना शुरू कर दिया तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छा गा रही थी शहर में लोग पोलाइट होते हैं वो दूसरों का दिल रखने के लिए उनकी बड़ाई करते हैं पार्टी में और भी तो लोग थे जो अच्छा गा सकते थे पर किसी ने गाया सब तुम्हारी तरफ बेवकूफ थोड़ा है चलो जो हो गया सो हो गया मैं हर हाल में तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारी हर गलती माफ कर सकता हूं ओके माया ये क्या है किस किस्म के कपड़े पहन रखे हैं अच्छे घरों की लड़कियां नाचती गाती नहीं है माया हारमोनियम पे धूल जम रही है इसे अंदर रख दो फिर से कुछ चला गया क्या सब ठीक हो जाएगा बेटा ये लो विक्रम मुझे कुछ पैसे चाहिए मुझे अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीदना है क्या करोगे अच्छा खरीद कर और वैसे भी जब तक मेरी प्रमोशन नहीं होती तब तक खर्चे कम ही करो विक्रम मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ ना दूसरों की बीवियाँ कितनी बहस मत करो मिसेस कपूर से सीखो कितनी कम तनख्वाह उसकी पति की फिर भी सामान बेचकर उसकी मदद करती है घर चलाने में और एक तुम हो पूरा दिन घर बैठकर मक्खियां मारती हो माथुर साहब अब की बार आप समझिए आपका मकान किराए पे चढ़ गया अच्छा ऐसे मनपसंद किराएदार लाया हूँ आप दिल से याद रखेंगे मैंने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे और मैंने ओए अली रुक कल शाम से कहाँ गायब हो गया था तुझे तो पता है तेरे पीछे कैसे दीवानों की तरह घूमती रहती हूँ सवेरे कहाँ से आ रहा है बड़ा थका थका लग रहा है डोले शोले कसरत तो नहीं कर रहा यह कसरत समझ ला अच्छा तू ना पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है सवेरे से मुझे घूरे जा रही है ये आप पेंट वेंट तो करा के देंगे ना क्यों नहीं आप लेंगे तो पेंट करा के देंगे आप अकेले रहेंगे मैं और मेरी बीवी
मेरे तीन बच्चे भी रहेंगे। पांच लोग इतने में रह लेंगे? साथ में मेरी माँ और दो भाई भी रहेंगे। यानी आप आठ लोग रहेंगे इतनी सी जगह में? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी माँ उम्र में आंटी जी जितनी होगी। फिर तो यूँ समझिए आंटी जी आपको नई सहेली मिल जाएगी। क्यों बे मतलब का टाइम को नहीं करा? तू जानता है ना मैं कैसी हूँ। दफा करो नहीं यहाँ से। इस जगह में तो किरायेदार होने से रहा। पता है आजकल लोग औरत के बजाय मर्द के साथ रहना चाहते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो भाई? बीच में बातें ले आए। बात तो कर रहा हूँ मैं। ले हद हो गई आपकी। क्या फिर बहेंगे इसलिए रात ना? फिर झगड़ा, अभी मुझे जाना पड़ेगा। गाने से गुजारा चल जाता है या कुछ और भी करते हो? नहीं अभी तो बस this is what we're doing. But मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हाथ में कुछ बड़ा आने वाला है. All we need is one chance, Maya. Just one chance. और फिर हम देश के सबसे बड़े बैंड्स में से एक होंगे. अच्छा. अभी कुछ दिन पहले I read in the newspapers एक ad था. संगीत का सबसे बड़ा मुकाबला. Or something like that. We're planning to take part actually. But there's a problem. क्या? Lead singer नहीं है. बिना गायक मुकाबले में जाने की सोच रहे हो? Well, actually, lead singer थी, पर अब वो नहीं है. क्यों? She was my ex-girlfriend. She was like one chipko rani. You know those obsessive women? You know, she'd always say, Ali, say no, you love me. अरे दो मिनट पहले बताया ना? दिन में 10-12 फोन कॉल्स माया. I mean, that's a psycho for you. तुम हारमोनियम लेके जा रहे हो ना? Yeah. तो फिर मिलते हैं. हाँ सोचना क्या बेबी, जस्ट डू इट. पर मैं रॉकस्टार नहीं हूं. मैं हूं ना रॉकस्टार. तुम चाहती हो कि मैं तुम पे तरस खाऊं? लुकिंग फॉर सम सिंपैथी बेबी. हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को समझो. बताओ ना जय, मैं क्या करूं? मुझसे प्यार? क्या बकवास है, मैं तुमसे प्यार करने लगूं और सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें अपने ख्वाबों पे भरोसा जो नहीं है. गबरू है, क्या नाम है उसका? इसका नाम लाजवंती है. ए? लाजवंती. अच्छा एक ही है? नहीं दो और है, कुलवंती और प्रियावंती. सारी वंती, सारे लड़के कुत्ते दोस्त तुम्हारे हैं. अरे मेरी करीना कपूर, मुझे पूरा पता है तू बड़ी हो गया ना वो बनेगी जानवरों की डॉक्टर. नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी माँ जैसे बहुत अच्छी सिंगर बनूंगी. वो दुनिया में सबसे अच्छा गाती है. है? हाँ. तेरी माँ गाना भी गाती है? हाँ. सिंगर है? हाँ. सच? हाँ. नहीं? हाँ, नहीं. हाँ, ले फिर हमको भी बुला लियो कभी घर में, हम भी सुनेंगे तेरी माँ का गाना. नहीं ठीक है. तो बात क्या है? वो इश्तिहार के बारे में मैं सोच रही थी. क्या मैं yes. क्या बोलो, क्या मैं तुम्हारे बैंड की मेन सिंगर बन सकती हूँ? यू मीन लीड सिंगर? हाँ वही. या सी मेन सिंगर तो पता नहीं, पर आज शाम आओ ना, विल बी जैमिंग, यू मस्ट कम. नहीं मैं सिर्फ सोच रही थी. यस माया, माया लिसन. <Listen. coughs>
दस मान गई हार। सच्चाई है जय। क्या है सच्चाई? यही कि मैंने 6 सालों से कुछ भी नहीं गाया है। गाती जरूर थी एक जमाने में, पर वो जमाना कब का गुजर गया। ये जमाना भी एक दिन गुजर जाएगा और फिर उसके साथ एक नया जमाना आएगा और उस जमाने में माया की नई पहचान। क्या ये हो सकता है? देखो तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम पे फिदा हो सकता है और अली तुम पे बिल्कुल फिदा। तुम उसे अपनी अदाओं से रिझाओ, अपनी खूबसूरती से है तो मर्द ही पिघलेगा जरूर। क्या बके जा रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है, विक्रम और प्रिया मेरी दुनिया है और तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से उसे उजाड़ दूँ? क्यों? अभी तक उजड़ी नहीं है क्या? जो भी हो ये ठीक नहीं है। शादीशुदा होकर मैं दूसरे आदमी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद कंपटीशन जाऊं अपने बैंड को लेकर? क्यों नहीं, अजीब बातें भी कभी कभी सच हो जाती हैं। ओह हाय माया, कम ऑन इन गाइस। हू इज शी? अनिबा, यस। आर वी प्लेइंग? हाय। तो शुरू करें? आंटी जस्ट किडिंग, ऑलराइट? सो लेट्स गो। लेडीज एंड जेंट्स, माया की आवाज। क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, नींद नहीं आई। दीजिए, रख देती हूँ। कुछ लाओ? कुछ नहीं। याद है जब हमारी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, तो मैं सोच रही थी अगर तुम मुझे उसमें से कुछ दे देते। क्या तो... बात है, रोज पैसे की रट लगा रखी है। क्या बात है, अभी अभी तो मेरा राज पूछ रही थी, अभी जाने के लिए। दिलावर आ रहा है, एक नंबर का खूनी और बदमाश है। कोई मेरी तरफ देखता भी है। जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे छीन लेना चाहिए। मालूम है कुछ नहीं हो रहा। मैं तो एक कहानी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, कैसी कहानी? एक शहर में एक आदमी रहता था।
फिर सब उसकी बहुत बेइज्जती करते थे, उसे बेकार और नकारा समझते थे। फिर क्या हुआ? फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो खुद की नजरों में गिर गया। ए लंबू, मर्द की औलाद है तो उठ। फिर उसने अपना सहारा खुद बनने का फैसला किया और उसमें एक ऐसी ताकत आ गई जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, और उसे वो सब मिल गया जो बरसों से चाहता था। पर ऐसे कैसे हुआ अचानक? सारी कहानी सुन के बोलती हो, सीता कौन था? अच्छा अच्छा जय, आके बैठो, एक दूसरी कहानी सुनाओ प्लीज। ये स्पाइडरमैन का वेबसाइट देख, जो पेट के बीच में। स्पाइडरमैन। सिड। ऑडिशंस के लिए 3 दिन बाकी है। We don't have our lead singer. Spiderman's not gonna help us, yeah. तो तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बुला लेते? जो अच्छा गाती थी, remember? प्रीति। प्रीति। No. प्रीति। Oh. No. Why? ट्राई तो किया लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। You know, इसके प्यार के चक्कर में हम कहीं के नहीं रहे। Listen, बार बार एक ही बात गाने से कुछ फायदा नहीं। I think we should take Maya. हट। Oh God. उससे तो अच्छा है हम ऑडिशन में ना जाए। तानिया गाएगी ना? हाँ मैं गाऊंगी, मैं अच्छा गाती हूँ। हाँ? मैं अच्छा गाती हूँ। No, Ali, no. I sing well. I have to be the lead singer of this band. आ गई। Why does she keep coming here, man? No. Hi. All the time. Bye. Hi. Bye. Hi. 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 मुझे एक काम था। देखो। हमने डिसाइड कर लिया है तानिया गाएगी। हाँ, मैं गा रही हूँ। ओह नहीं नहीं, मैं से नहीं आई। मुझे कल की रिकॉर्डिंग की एक सीडी मिलेगी। या हाय माया, लिसन, आई एम रियली सॉरी अबाउट यू नो। अच्छा, ये एक नंबर है रोहित का, एजेंट है, पैसे लेगा कुछ 10,000 रुपए, बट ही विल बी एबल टू मेक अ डेमो ऑफ योर्स, बैंड भी ढूंढ देगा। लेकिन एक चीज याद रखना माया, उसकी जो रेपुटेशन है। कल सुबह बात करेंगे। नहीं, मेरे हस्बैंड आ गए, हम कल बात करेंगे। ओके ओके प्लीज। माया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो प्रिया है। हाँ प्रिया है तो सही। प्रिया बेटा, सब ठीक तो है ना? आओ तो। उसको ततैया ने काट लिया। कैसे? पता नहीं, वो खेल रही थी या कुछ। चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके। कुछ पैसे मिलेंगे? हाँ हैं, मैं लाऊं? एक मिनट ये बेटा, इससे काम चल जाएगा? हाँ, इसी से काम चल जाएगा। बस चलिए। मुझे मालूम था यही होने वाला है। तानिया लीड सिंगर नहीं है। मैं यही हूँ, ओके? At least wait for me to leave. You guys are impossible. Let's just go have a drink now. Stop complaining. आज दक्षिणी दिल्ली में एक 27 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ। ये शख्स दोपहर के 3 बजे जबरन जबरदस्ती से घर में घुस आया। इस महीने दक्षिणी दिल्ली में ये 5वीं ऐसी वारदात है। आप सभी से थाने में आके रपट लिखाते हैं कि पुलिस साड़ी कुछ नहीं करती,
पुलिस क्या लोगों के घर चिटकड़ियां लगाती घूमेगी। खैर आपने बुलाया तो मैं आ गया मैडम, पर रोज रोज नहीं आऊंगा। झूठ बोलते हो तुम। मैं तो कानून का आदमी हूँ मैडम, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं गा सकती हूँ, कहा था कि नहीं? मान लिया मुझसे थोड़ी गलती हो गई मैडम, पर तुमने भी तो बेवकूफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर बेवकूफी की कोई सजा नहीं होती, बस सबक लो और नेक्स्ट। सजा ही तो मिल रही है, प्रिया बीमार है, विक्रम का अता पता नहीं, डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर जाना ही था, नहीं तो तुम घर पर पड़ी पड़ी कुड़ती रहती कि मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी। दुनिया की समझ बाहर जाके आती है मेरी जान। लेकिन बाहर काम करना उतना आसान नहीं जितना मैं समझती थी। ओह वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। देखो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारा और प्रिया का ख्याल जरूर रख सकता हूँ। मेरे रहते कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बाहर जाके तो तुमने देख ही लिया है कि दुनिया बुरी जरूर है, लेकिन उससे निपटना नामुमकिन नहीं है। प्रिया की तबीयत खराब है, पर तुम कैसे लेट हो गए? मैं लेट क्यों हो गया? घर आते बस यही रट लगाती हो, आज मेरी प्रमोशन होते होते रुक गई। क्या? दूसरों की बीवियां उनके साथ जाती हैं, उनकी मदद करती हैं, और तुम? पर तुम्हें तो मुझे बाहर ले जाना बंद कर रखा है। हाँ क्योंकि तुम एक मामूली शहर की फालतू लड़की हो, तुम्हें गाने के सिवा आता क्या है? तुम चाहती हो मैं दिन भर तुम पर ध्यान दूं? है क्या तुम्हें ध्यान देने जैसा? कोई फायदा नहीं तुम्हारा मुझे। अरे सुन सोनियो, ओए छड़ कुत्ते नो, मुझे एक बात बता, तेरी मम्मी पास हुई कि फेल? खुद तो कुछ आते ही नहीं है। ले इसका मतलब है सिलेक्ट नहीं हुई तेरी मम्मी? अब कहाँ है? ऊपर है, बहुत दुखी है। सैड है? क्यों? इसमें सैड होने वाली क्या बात है? ये तो होती रहता है। मैंने बहुत मेहनत की थी। तो कोई नहीं, अच्छा चल मैं समझाती हूँ उसे। है नहीं आप मत जाओ। क्यों कहाँ थोड़ी ना जाऊंगी मैं, चलो मैं समझा। क्या हुआ? कोई नहीं इसकी मम्मी फेल हो गई ऑडिशन में। हाँ। मैंने कहा मैं समझा देती हूँ, और आप तो जानती हैं कि मेरी तरह कोई समझाने के मामले में आप भी तो कितनी बार समझा देती हूँ मैं। जो भी है जो गलत है सो गलत है, और कहाँ थोड़ी ना जाऊंगी मैं। मिसेस माथुर क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हो? बेमतलब की बकवास ये कर रही है, छोटी सी बात पे सैड हो रही है। क्या कह रही हो तुम? क्या बात है? सुनो तो, अरे हद हो गई तुम्हारी। मिसेस माथुर तुम तो जानते हो साडे मिस्टर कपूर 10th में 3 बार फेल हो गए थे, क्या फर्क पड़ा? कुछ बुरा हुआ? मैं मिल गई जी पम्मी। आज नहीं, आज रहने दो, आज ही बात करने दीजिए मिसेस माथुर पम्मी को, पम्मी का दिल भी हल्का हो जाएगा। चल तू मुझे देख कैसी लगती पम्मी, एटिट तैयार होके आती है, एकदम भली चंगी लग रही है ना? लेकिन सच बात जानती है, अंदर से बिल्कुल खोखली है पम्मी, कोई खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में। साडे मिस्टर कपूर कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे वास्ते, कुछ नहीं दिया उन्होंने, महीनों तो शक्ल नहीं दिखाई देती उनकी, पता नहीं कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। अरे वो तो मुझे बच्चे भी नहीं दे पाए कि मेरा दिल बहला रहे, ऊपर से बिरादरी में जाके बोल दिया कि पम्मी में कमी है, कमी ना। लेकिन मैं रोती नहीं हूं, है मैं खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। समझने की कोशिश कर, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसमें खुश रहना सीख, जो दिल में आए कर, खुश रह, हंसती रह, बस। भाई हमसे तो नहीं जी जाती आधी अधूरी जिंदगी है मिसेस माथुर, है ना? एक बार फेल हो गई कोई नहीं, दोबारा चली जा, दोबारा से ट्राई कर, बार बार ट्राई कर, बार बार वो मुआ तुम्हें फेल करता तो समझ ले सामने वाले को ही गाना नहीं आता, तू द बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा, कोशिश ही कामयाबी की पहली और आखिरी सीढ़ी होती है माया। और एक पते की बात सुन माया, हर औरत सेक्सी होती है, बस दिखाने की हिम्मत चाहिए,
और वो हिम्मत तुझ में भी है। पर पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। मुझे पता है कि तुम करोगी। अच्छी है लेकिन थोड़ी और गहराई होनी चाहिए। ऑडिशन कैसे जाऊंगी? पर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो, और अगर विक्रम को पता चल गया तो जूते पड़ेंगे। पर तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम कैसे कर पाओगी। तुम्हारे तो हजार लफड़े हैं, तुम्हारा मन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बंदर की तरह झूल रहा है। नहीं, मैं पूरा मन लगाऊंगी। तो चलो फिर मिलके कुछ कर दिखाते हैं। लेकिन कैसे? पहले तो तुम अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके एक बैंड बनाओ, ऐसे लोग जो तुम्हारी हमारी तरह संगीत से प्यार करते हो और इस नए जमाने के हो। और ऐसे लोग आएंगे कहां से? पड़ोस से। नहीं, वो कह चुके वो मुझे नहीं लेंगे। क्या पता इरादा बदल गया हो, आखिर वो भी तो ऑडिशन पे गए थे। इतनी बेइज्जती सहकर दोबारा जाओ? पहले तो अहंकार को अपनी कला के रास्ते से हटाओ, क्योंकि अहंकार और कला का कोई मेल नहीं होता। आली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। जानते हो तुम ऑडिशन में कामयाब क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी लीड सिंगर नहीं थी। और मैं भी नाकामयाब रही क्योंकि मेरे पास एक अच्छा बैंड नहीं था। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो शायद। अच्छा, पर बात खत्म हो गई अभी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम पे कैसे छोड़ दें? तुमने भी तो ऑडिशन पास नहीं किया। देखो, आदमी गिरने के बाद ही उठता है। I don't know, man. कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। Yeah, you know, this is the struggle. You want a drink or something? बस मैं सोने जा रही हूँ। Ali, I'm very tired. चमचमाती रोशनी, धन धनाता तेज संगीत, एक जोशीला गाना जिसमें जीवन की उमंग हो। फिर क्या सोचते हो? मैं तैयार हूँ। कम ऑन, मैं तो पहले से ही तैयार था। वाह, आज तो बैंड ही बजा दिया उनका। तुम भी लाए थे ना बैंड? वो तो मैं ऐसे ही कभी कभी ले आता हूँ। लेक्चर तो दे दिया, ऐसा गाना होना चाहिए। अब कहाँ से लाओ? लाना तो पड़ेगा। और ऑडिशन में ऐसे घिसे पिटे कपड़े कैसे पहन के जाऊं? तुम इसे क्यों नहीं बेचती? ये काम में नहीं कर सकती। अरे क्यों? ये तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का बहुत ही अच्छा रास्ता है। और
छोटी सी तो कुर्बानी देनी है। क्या इरादा है? मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे मरती हो। मुझ पे मरना अच्छा है, मरो मरो। पर तुम तो सिर्फ ख्वाब हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा? कितने सवाल करेगी ये लड़की। हम लोग अभी बैठ कर बातें कर रहे थे कि जो चलो चलो ओके बाय। ये कंबक्त हारमोनियम हमेशा मेरे रास्ते में आता है। तो फिर लाइट जला लीजिए। विक्रम एक मिनट, देखो पहली बार ही फेल हुई है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पता है पहली बार हुई है, पर शुरुआत तो हो गई। किसकी वजह से हुआ ये सब? मैं पूछता हूं किसकी वजह से हुआ ये सब? जिसकी माँ पूरा दिन बाहर मटर गस्ती करती फिरती हो, उसकी बेटी फेल नहीं होगी तो और क्या? पर मैं घर के काम छोड़कर थोड़ी ना जाती हूँ। प्रिया को होमवर्क कराती हूँ, रात में खाना भी उसके साथ ही खाती हूँ, और फिर उसको सुलाने के बाद ही जाती हूँ, और वो भी अपने काम से। आज तुम्हें मुझे बताना होगा, और जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। क्या बताना होगा? जब तक तुम अपने मुंह से कबूल नहीं करोगी कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, मैं तुम्हें इस कुर्सी से उठने नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपनी बीवी की इज्जत करता है, उसका ख्याल रखता है, वही असल में पागल होता है। और बीवी पहले तो घर संभालना छोड़ देती है, फिर अपने पति को। तुम्हें हो क्या गया है विक्रम? तुम वो विक्रम नहीं रहे। हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। ये क्या कह रहे हो? कौन सी परेशानी खाई जा रही है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो, तुम्हारे जैसी। मैंने तुमसे शादी क्यों की? छोड़ दो। मैं देखता हूं तुम कब तक अंदर बंद रहती हो, कभी तो बाहर आओगी ना। एक वफादार पति के साथ इतनी बेवफाई। तुम्हें मजाक लग रहा है? क्रोध हो मत मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कैसे खुश रहो? अपने घर में फेल होकर बाहर पास होने में कैसे खुशी? कहीं तो पास हुई ना। तुम्हारा मतलब है मैं फेल हो गई हूँ? यानी अब तुम्हें सच्चाई दिखने लगी और उसी को तुम फेल होना समझ रही हो। मैं अपनी शादी को टूटते हुए नहीं देख सकती, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैं प्रिया को उसके बाप से जुदा नहीं कर सकती। तुम्हारा भी तो कोई वजूद है, उसे तलाशो, उसी में उनकी भी भलाई है। मैं पानी बंद कर देती हूँ। रहने भी तो।
हमें सब मंजूर है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या है? मेरे ख्याल से माया मैडम ने पहले से ही रोहित चोपड़ा के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तुमने तो बताया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, साथ में पैसे भी दिए हैं उसको। ओह गॉड माया। सॉरी, जब तक ये मामला नहीं सुलझता हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। मुझे क्या पता था, मैंने उसे अच्छा आदमी समझा था। तुम उससे एक बार बात करके क्यों नहीं देखती? नहीं नहीं, इसकी बस की बात नहीं है, बात करेंगे हम। अली, हम क्यों बात करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया, she should talk to him. No, she shouldn't. Yeah, she's already messed it up. But हम क्यों बात करें? नहीं नहीं, हम hang on, should... hang on. Excuse me. Why can't she talk to him? Maya, Maya, अरे वापस आना। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। इससे बुरा भी कुछ हो सकता है, घर परिवार तो गया हाथ से, और ऊपर से ये भी। एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हाथ से गया है, तो क्या हुआ, कुछ और कर लेना। सड़कों पे प्लास्टिक के डब्बे बेच लेना। जले पर नमक छिड़क रहे हो। पहले तो दिमाग को शांत करो। हाथ पैर फुलाने से कुछ नहीं होगा, आगे की सोचो। पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? इससे कुछ नहीं होगा। तो जाकर उसके पैर पकड़ लो। उससे कुछ हो सकता है, कमी ना तो वो है। जे तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो, कभी भी। देखना, आखिर मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। अजीब इत्तेफाक है, देखो किस्मत ने फिर से तुम्हें मेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया है। देखिए, माया एक सीधी सादी औरत है, ऑल ऑफ दिस इज न्यू टू हर। पर ये बच्ची तो है नहीं। हाँ, पर तुम कमीने जरूर हो। है जी, कमाल हो। प्लीज आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, मैं आपसे बिनती करती हूं। देखो, बिनती शिंती करके कोई फायदा है नहीं। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना मैनेजर रख लो। अरे, तुम जो कुछ भी कमाओगी उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे देना। सॉरी, एक और गलती। लो जी, कमाल हो गया। हाय माया। माया 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 नहीं, व्हाट इज इट दैट यू वांट? तुम चाहती क्या हो? पता है सिर, इसने ही माया का गाना चुराया। इतनी सेक्सी लड़की को गाना चुराने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही एक गाना हो। देखो, मुझे लगता था रोहित मुझसे प्यार करता है। राइट। मुझे क्या मालूम था कि वो हर दूसरी औरत से प्यार करता है। पता है एक बार क्या हुआ? नहीं प्लीज, और कुछ मत बताना। देखो, मुझे मालूम है उसने कॉन्ट्रैक्ट के कागज कहाँ रखे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि उन कागजों को लो और फाड़ डालो। चुरा कर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दे। इट्स अ ग्रेट आइडिया राइट। पर पहले माया से पूछना पड़ेगा, क्योंकि गाना तो माया का है। राइट, ग्रेट आइडिया। तो चले। कहाँ? चोरी करने। किसी ने पहचान लिया तो? चुपके चुपके रस्सी से चढ़ के, खिड़की में से, कमरे में घुस के अलमारी से सामान चुरा लो, और किसी को पता नहीं चलेगा। क्या कह रहे हो? अब इतनी दूर आई गई हो तो वापस जाने का क्या फायदा, वो भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर ये गलत है, गैर कानूनी है। रोहित ने जो किया वो कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। गैर कानूनी का बदला गैर कानूनी। रोहित जैसे कमीने आदमी के साथ कमीनापन बहुत जरूरी है, क्योंकि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा कर लेना चाहिए। ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम नहीं समझोगे। चलो चलो, चलते हैं। चलो निकलो, चलो। विक्रम आ गया तो?
मैं संभालूंगी, जाओ जाओ। हाय रीना। हाय 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 माया। माया एक मिनट, इसको साथ ले जाना ठीक होगा क्या? ये हमेशा कुछ गड़बड़ करती है ना। हाँ? माया तुम गाड़ी में बैठो। क्यों? रोहित आएगा ना तो हमें जोर से आवाज देना। हाँ ओके। हाँ जोर से। तुम गाड़ी में बैठो एंड डोंट कम आउट। होनी चाहिए। नहीं, एक जगह है पास में, चलवा चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे जान से मार डालेंगे। माय गॉड, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि तुम शादीशुदा हो। आजकल वो भी भूल जाती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 98.8 एफएम। मैं उल्टा पुल्टा विपिन आपका स्वागत करता हूँ। बैंडिट कॉन्टेस्ट की विनर है इंस्पिरेशन। सुना है कि इस बैंड की लीड सिंगर एक हाउसवाइफ है, ए हाउसवाइफ टर्न रॉकस्टार। क्या बात है। बस बस अब रगड़ाई शुरू कर दो, सिर्फ 15 दिन बचे। आखिर मार ली बाजी। यकीन ही नहीं होता। तुम्हारी हकीकत और तुम्हारे सपने में सिर्फ 2 कदम का फासला रह गया है। हाँ, पर अब हमारा क्या होगा? इतना सा पाने के बाद मैं तुम्हें खो तो नहीं दूंगी। ऐसी हमेशा की तरह तुम आते रहोगे ना मेरे पास? शायद। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ चीजें अमर होती हैं माया, ना वो खत्म होती हैं ना ही खोती हैं। और मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारा मतलब तुम असलियत में आ सकते हो? बिल्कुल, अगर तुम दिल से चाहो तो कुछ भी हो सकता है। और तुम तो ये बात जानती हो, एक एक करके तुम्हारे सब सपने सच हो गए ना। हाँ। ये हो ही नहीं सकता, वो इतना जल्दी कैसे आ सकते हैं? कौन है वो? मेरे डैडी, जो कभी जल्दी नहीं आते। That was awesome. लाजवाब। Hey Vikram, what's up? Hi, आज आप इतनी जल्दी आ गए? तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब दिखावा छोड़ दो विक्रम, मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जा रहा हूं। कहां? कहां जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगी, बिना कुछ बात कहे सुने मैं नहीं जाने दूंगी। हट जाओ सामने से। प्राउड है? चल के दिखाते हैं उसको। अरे अरे विक्रम, आजकल बड़े बिजी हो, दिखाई नहीं देते। हाँ आजकल काम कुछ ज्यादा है। कैसे हैं आप लोग? क्या बताऊं बेटा, मैं तो तंग आ चुका हूं, कोई किराएदार ही नहीं मिलता। देखो ना, तुम्हारे बीवी का फोटो छपा है मैगजीन में, बड़े भाग्यशाली हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ, आज हमारी स्कूल में सारी टीचर्स ने आपकी फोटो देखी थी। आपकी वजह से सारा स्कूल मुझे जानने लगा है। अब दूसरी फोटो कब छपेगी? पता नहीं, कॉन्सर्ट में भी तो खींची जाएगी ना? पता नहीं, पर मुझे पता है कि खींची जाएगी।
खुश? नहीं, बेहद दुखी। स्माइल प्लीज। छोड़ दूंगी मैं सब कुछ, हाँ छोड़ दूंगी और कहीं दूर चले जाऊंगी। बस मत करो ये बातें, अरे हर कदम पर हार की तरफ दौड़ोगी तो जीत चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है, मत ठुकराओ उसे, नहीं तो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। छोड़ दो ये कमजोरी और अपना लो अपने ख्वाबों को, और उसके बीच में किसी को मत आने दो, न विक्रम को, न इस दुनिया को, ना अपनी सोच को, और ना ही मुझे। पर तुम तो मेरी जान हो, मुझे पता है तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आओगे। मैं तुम्हें से सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, सचमुच। सच सुनना चाहती हो तो सुनो, मेरी नौकरी छूट गई है। क्या? कब? 3 हफ्ते पहले। जब से तुमने गाना शुरू कर दिया तब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। विक्रम ये सब झूठ है, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने आज तक ये सब कुछ किया है, और तुम ही तो चाहते थे कि मैं घरेलू औरत बनी रहूं। ओह, तो ये कुर्बानी तुमने मेरे लिए दी है, पर इससे भी तुमने ढंग से नहीं किया, और अब मैं ये कुर्बानी का बोझ नहीं उठा सकता, यही सच है। सच कहते तो तुम डरते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी जिंदगी में एक दूसरी औरत है और इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? माया, मेरी जिंदगी में दूसरी औरत इसलिए है क्योंकि पहली औरत थी ही नहीं, सिर्फ एक बीवी थी जो बीवी बनकर खुश रहने का दिखावा कर रही थी। अच्छा विक्रम, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम मत जाना। माया तुम जाओ, तुम कॉन्सर्ट के लिए जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। प्लीज विक्रम, मेरी एक बात तो सुन लो। प्लीज विक्रम, आई लव यू विक्रम, प्लीज प्लीज मत जाओ विक्रम। फिर झूठ, तुम्हारा ये फरेब मैं झेल नहीं सकता, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। और एक बात याद रखना, तुम जिस दुनिया में जा रही हो वो एक जंगल है, वहां एक दिन भी नहीं रह पाओगी। और हाँ, जब तुम्हारे गाने वाने का भूत उतर जाएगा ना, तब तुम मुझे याद करोगी। हटो। बहुत हो गया। क्या कर रही हो माँ? तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। पर आज तो कॉन्सर्ट है ना? तो क्या हुआ, कॉन्सर्ट के साथ साथ तुम्हारा ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। हम बाहर से मंगवा लेंगे ना, तुम अपने काम पे ध्यान दो। प्रिया मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। जाना। तो प्रिया मैडम, अब तुम्हारी माँ टीवी पे आने वाली है, इसका ध्यान रखना। ओके, और विक्रम आएगा तो इसे जाने मत देना। उसकी चिंता मत करना। थैंक यू, चलो जल्दी करना है। बाय बाय रीना, हियर वी कम।
जी आपके यू नो आपके पास थोड़ा दूध होगा मिलेगा थोड़ा कॉफी भी अगर और चीनी हाँ अंदर आइए कॉफी बना ही देती हूँ